तुम्ही लोगों के कारण सरकारी ऑफिस बदनाम है। वो क्या लगा, सब आएगा अटक जाएगा, सब गरीब को ऐसे लूट लेंगे। जन्म प्रमाण पत्र बनवाना था 2500 लिया था, उसके बाद कुछ दिन के बाद फोन करके बोलता है 1000 रुपए और दो। अरे भागने से काम चलेगा जी। भागलपुर नगर निगम में जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के नाम पर चल रहे पैसे के गोरख धंधे का मामला सामने आया है। इससे पहले हम आपको पूरी खबर बताएं, आप यह वीडियो देखिए। एक महीना से घुमा रहा है मेरी बहन को, एक महीना से। एक महीना हो गया। जन्म प्रमाण पत्र बनवाना था 2500 लिया था, उसके बाद कुछ दिन के बाद फोन करके बोलता है 1000 रुपए और दो। उसके बाद हमको बोलता है कि तुम्हारा घर बताओ, घर पे आ रहे, रंगवाज बनता हूँ, धमकी देता हमको। बोलो ना क्या बोल रहे आप, बोलो ना क्या बोलना चाह रहे, बोलो। इस वीडियो में मीडिया के कैमरे से बचता जो शख्स दिखाई दे रहा है वो भागलपुर नगर निगम का कर्मचारी सुमित यादव है, जो फिलहाल नगर निगम भागलपुर के उपनगर आयुक्त का आदेशपाल है। और जो आदमी इस पूरे मामले का खुलासा करता हुआ वीडियो बना रहा है वो नया बाजार का रहने वाला रवि शर्मा है। पूरा मामला जन्म प्रमाण पत्र बनवाने से जुड़ा हुआ है। आप फिर से एक बार पूरा वीडियो देखिए। बोलो ना क्या बोल रहे आप, बोलो ना क्या बोलना चाह रहे, बोलो। नहीं मारोगे नया बाजार चौका के, 1000 रुपया और नहीं लोगे, और कितना दिन घुमाओगे? ये बात इधर चेहरा घुमाओ ना इधर, बोलो ना मुंह चुप्पी का हो गया, बोलो। और कितना दिन प्रताड़ित करोगे महिला को, ही बताओ, इधर देख के बोलो ना यार, कैमरा में मारोगे? नया बाजार नहीं होगे मारने के लिए, और पैसा देना चाह रहे हो तुम, पैसा से खरीदेगा? कितना पैसा हो गया इधर देखो ना, कितना पैसा तुम्हारे पास, कितना पैसा है? अरे भैया काहे चुप रहे, 700 रुपया का है, इधर देख, इधर कितना रुपया का वो पता ही नहीं, 700 रुपये में बनता है, 2500 ले लिए तुम। अरे बोलो ना हाँ या ना कैमरा में, उसके बाद घुमा रहे हो। राहुल आ रहा है, राहुल आ रहा है, 3 गुना पैसा ले लिए, इसका हर्जाना कौन देगा? इधर देखो इसका हर्जाना कौन देगा, कौन देगा, कौन देगा, बोलो कौन देगा, कौन देगा हर्जाना? कुछ पूछ रहे हैं, कौन देगा हर्जाना? कब दोगे, कैसे दोगे बताओ? भैया क्या करेंगे, तुमको ना दिखे रे, तुमको दिए भैया का बीच में घसीट रहे हो, मजाक तुम लोगे, फंसाओगे उनको, हर जाना भी दोगे, हर जाना भी, मेंटली हरेस किया तुम एक लड़की को। इस वीडियो को देखकर आप अच्छी तरह समझ सकते हैं कि भागलपुर नगर निगम में किस तरह बिना पैसे का कोई काम नहीं हो रहा। यहां तक कि जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने जैसे साधारण काम के लिए भी लोगों से मोटा पैसा ऐंठा जा रहा है, और यह पैसा ऐंठने वाला और कोई नहीं बल्कि नगर निगम का ही कर्मचारी सुमित यादव है। अब हम आपको पूरा मामला बताते हैं। दरअसल नया बाजार का रहने वाला कृष्ण शर्मा एक जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए अपनी माँ के साथ भागलपुर नगर निगम गए हुए थे। वहाँ जब जन्म प्रमाण पत्र बनाने वाले कर्मचारियों से उसकी मुलाकात नहीं हुई तो वो वहाँ से जा रहे थे। इसी बीच सुमित यादव आते हैं जो कृष्ण शर्मा से कहते हैं कि हम आपका जन्म प्रमाण पत्र बनवा देंगे लेकिन इसमें कुछ खर्च आएगा। शुरुआत में वो 1000 की मांग करते हैं और 2 से 3 दिन में जन्म प्रमाण पत्र बनवा कर देने का वादा करते हैं, लेकिन धीरे धीरे लगभग 15 दिन तक वो जन्म प्रमाण पत्र बनवा कर नहीं दे पाते। इस बीच बार बार पैसे की डिमांड करते हुए लगभग 2500 रुपया कृष्ण शर्मा से ले लेता है। तो वो बोले कि 1000 रुपया दे दो बन जाएगा, मैं वो बर्थ सर्टिफिकेट के लिए। अच्छा। उसके बाद अगले दिन बुलाएं 1 हफ्ते के बाद, तो फिर 1500 लिए, 2500 हो गया पूरा। उसके बाद बोले कि 1 हफ्ते के बाद बन जाएगा। उसके बाद जब गए तो बोले 100-200 तो लगेगा ना, क्योंकि हमको भी ज़रूरत रहता है पैसे का। उसके बाद जब गए तो बोलते क्या 1000 और लगेगा। उसके बाद जब मेरे मामा कॉल करके बोले नहीं, तो बोलते कि सिर्फ हम पैसा नहीं मांग रहे थे, सिर्फ प्रूफ मांग रहे थे। क्या नाम है उसका? सुमित जी, सुमित नाम है, वकील है, बोलो ये सही। हाँ, बोलते हैं कि हम वकील हैं, हम बना देंगे। इस बीच जब जन्म प्रमाण पत्र नहीं बन पाता है तो ये सारी बातें कृष्ण शर्मा अपने मामा रवि शर्मा को बताता है, जिसके बाद रवि शर्मा जब सुमित यादव से फोन पर इस मामले पर बात करने की कोशिश करते हैं तो सुमित यादव फोन पर रवि शर्मा को धमकाता है और कहता है कि अभी हम नया बाजार आकर तुमको देखते हैं। इसके बाद रवि शर्मा नगर निगम पहुंच जाते हैं और वहां पर सुमित यादव का वीडियो बनाते हुए उसकी पोल खोलने लगते हैं। वही मामला बिगड़ता देख सुमित यादव चुप्पी साथ लेता और किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे पाता है। कुंजी का पैसा ले रहे हो तुम? कितना पैसा लिए हो? अरे भागने से काम चलेगा जी। बोलिए बोलिए, आप सामने खड़ा होइए।
वहीं नगर निगम में हो रहे इस तरह के हाई वोल्टेज ड्रामा को सभी कर्मचारी चुपचाप देखते रहे। वहीं जब इस पूरे मामले की जानकारी टीवी अंग प्रदेश ने मेयर डॉक्टर वसुधा लाल को दी, उन्होंने बताया कि नगर निगम में भ्रष्टाचार का यह कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी भ्रष्टाचार के एक मामले में मैंने कार्रवाई करने के लिए लिखा था, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है और अब यह दूसरा मामला सामने आ गया है। मैं इस मामले को देखूंगी और जो भी इसमें दोषी होगा उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। हाँ, निगम में भ्रष्टाचार का मामला ये कोई नई बात नहीं है, इसके पहले भी भ्रष्टाचार उजागर हुआ है और हमने इसके पहले भी लिखित में दिया था कि इस पर कार्रवाई की जाए, FIR की जाए और उसे निलंबित किया जाए उसके पद से, और जो उच्च स्तरीय जांच हो वो की जाए, लेकिन अभी तक तो वो नहीं हो पाया है और वो अभी भी कार्यरत है। ये फिर ये दूसरा मामला आया है, अभी तुरंत संज्ञान में आया है। इसके लिए मैं देखती हूँ कि इसमें जो भी दोषी होगा इसका जांच मैं करवाऊँगी और जो भी इसमें दोषी पाए जाएंगे उसको बख्शा नहीं जाएगा और उस पर जो भी कार्रवाई बन पड़ेगी वो कार्रवाई की जाएगी। और मैं आम जनता से अपील करना चाहती हूँ कि जैसे ये जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र लेने के क्रम में इनसे पैसा मांगा गया है, तो आम जनों से मैं अपील करना चाहूँगी कि आप जब भी ये जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने आए, यदि कोई आपसे किसी तरह का घूस मांगते हैं उसके एवज में, तो आप ज़रूर मुझसे मिलें और मुझसे कंसल्ट करें। और ये अब तो ऑनलाइन भी हो गया है, आप घर बैठे भी आप जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बना सकते। साथ ही आम लोगों से अपील भी की कि अगर आप नगर निगम में जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आते हैं और अगर कोई कर्मचारी आपसे घूस की मांग करता है तो आप डायरेक्ट आकर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही बताया कि अब जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र ऑनलाइन भी बनवाई जा सकती है, तो आप उसे उस तरह भी बनवा सकते हैं। ठीक है, भ्रष्टाचार के मुद्दा पे तो हमारा कैबिनेट भी जो है सदन में जो है बात उठाते आ रही है और नगर सरकार का जो मुखिया है हम लोगों का माननीय मेयर साहिबा, उन्होंने भी कई बार जो है इस मुद्दा को उठाया, लेकिन यहाँ पे चूंकि भ्रष्टाचार करने वाले को बचाया जाता है, जिसका आज एक छोटा सा नमूना सामने आया है और इस मुद्दे को हम लोग भ्रष्टाचार के मुद्दे को मजबूती से जो है 19 तारीख को समान का बोर्ड का जो बैठक है उसमें मजबूती से उठाएंगे और हो सक इससे आगे भी हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। हो सकता है हम लोग जो है विभाग में भी लेटर लिखेंगे और जाके जो है प्रधान सचिव से मिलेंगे भी। क्या लगता है लगातार ये भ्रष्टाचार का आरोपी? ये हम मुझे तो ये लग रहा है कि जब से मैं पार्षद बन के यहाँ पे आया हूँ और यहाँ का जो सारी स्थिति को मैं देख रहा हूँ, मुझे लगता है कि पूरे बिहार में अगर कहीं सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार है तो वो नगर निगम में है। खैर, इस घटना ने ये बात तो सामने ला ही दिया कि जब तक लोग भ्रष्टाचार का विरोध नहीं करते तब तक भ्रष्टाचार यूं ही चलता रहता है और जब लोग इसका विरोध करने लगते हैं तो भ्रष्टाचारियों की जुबान बंद हो जाती है। अब यहां देखना दिलचस्प होगा कि इस तरह सरेआम नगर निगम में ऐसे भ्रष्टाचार की बात जब सामने आई है तो नगर निगम प्रशासन आगे इसके लिए क्या कदम उठाती है। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान, निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जाँच कराएं तथा सुनने की मशीन लगवाएं। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 7050193341। हमारी दो और भी शाखाएं हैं, पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार, पूर्णिया, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में AB मेडिकल के समीप। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी। मेरा स्नेह अस्पताल जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया और एक नया मशीन क्रिटिकूल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वह मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए कर रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है।
तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता का नाम है तो वो इसमें लाभुक हो सकते हैं और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद। बिहार में शादियों का सीजन चल रहा है। इस दौरान भागलपुर की नौगछिया में शादी की खुशी के बीच एक दुख भरी घटना की जानकारी सामने आई है। भागलपुर के नौगछिया के इस्माइलपुर प्रखंड अंतर्गत शिव मंदिर के पास बारात को दरवाजा लगाने के दौरान लड़के की गाड़ी से लड़के को उतारने के दौरान शराब के नशे में लड़की पक्ष के बुआ के बेटे के द्वारा गोली चला दी गई, जिससे मौके पर ही लड़के के मौसा की मौत हो गई। वहीं लड़का के मौसा की मौत के बाद माहौल गमगीन हो गया। उसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची। आसपास के करीब 3 थानों की पुलिस मौके पर पहुंची। वही नौगछिया SDPO ओम प्रकाश कुमार मौके पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि FSL टीम व स्थानीय थाना की पुलिस छानबीन कर रही है। उन्होंने बताया लड़के के बयान पर आवेदन दर्ज कर लिया गया है, जिसमें उन्होंने बताया कि लड़की पक्ष के बुआ के बेटे साजन कुमार को लोगों ने आरोपी बनाया है। उसमें उसे शराब के नशे में हवाई फायरिंग और लड़के के मौसा के ऊपर गोली चलाने का आरोप लगाया है। वही नौगछिया SDPO ओम प्रकाश ने बताया घटना को लेकर इलाके के आसपास रेड मारा जा रहा है, हम लोग जल्द ही आरोपी को पकड़ लेंगे। वही लड़की के पिता से बात की तो उसने बताया कि मेरी बेटी की शादी रात में होने वाली थी, रात में घटना कारण अब वो नहीं हुई। वो कहते हैं शादी के पूर्व के रस्म में व्यस्त थे, अचानक गोली की आवाज सुनकर वो दरवाजे पर दौड़े तो लहूलुहान लड़का के मौसा को जमीन पर पड़ा देखा। मौके पर गांव के मुखिया इस्माइलपुर जिला परिषद सदस्य बिपिन मंडल एवं अन्य कई जनप्रतिनिधि जो कि शादी में सम्मिलित होने के लिए पहुंचे थे, सभी मौके पर मौजूद थे। सबों ने घटना की निंदा की। आपको बता दें बारात गोविंदपुर पीरपैंती से आई हुई थी, जिसमें कि शादी के लिए आया लड़का दीपक के पिता की पूर्व में मौत हो चुकी थी। वहीं शादी में मौसा ही सारे कर्ता धरता और मौसा ने ही शादी की पूरी तैयारी की थी। इसको लेकर मौसा विनोद मंडल शादी में मुख्य रूप से कर्ता धरता थे, जिसमें कि लड़का दरवाजा लगाने के दौरान नोक झोंक में लड़का के मौसा को ही गोली लग गई और उसकी मौत मौके पर हो गई। मौके पर नौगछिया SDPO ओम प्रकाश कुमार ने बताया कि आरोपी की पहचान हो चुकी है, आरोपी के नाम से आवेदन भी दर्ज कर लिया गया है। वहीं इलाके में रेड करवाया जा रहा है और जल्द ही हम आरोपी को पकड़ लेंगे। यहाँ पे शादी के प्रोग्राम रहे, केना की घटना होले जो शादी में होले पंडाल में, मतलब एक घंटा चले गए नाम कारण की होले शादी नहीं हुए के कारण बा मर्डर जे हो गए बगजा खोले या की होले विवाद की रहे नहीं विवाद त हमरा नहीं रहे हम अब कैसा अगले हमरा त अपना गोली चले के कारण केना चल रहे गोली बोले जैसे लड़का उतारे है और गरिया नहीं आ पा रहा है इधर ही जा पाती अब ऐसा कुछ बिसाते रह गए चलवे वाला के रही है गरिया गोली चलवे गोली चलवे बोले बोले ते भाग ना है तोरा नो साजन घर साजन मंडल घर लेफ्ट लिया भागी आ जाए हां भागी क्या गोली चल ले ते दो गोली अब की करना अच्छे शादी नहीं होले बच्चिया क्या की होते हैं मेरे काम से शादी हो जाए धीरे धीरे जोड़ा जाए संबंधी क्या करना कितना खर्च हो शादी तो बहुत दुखद घटना है। रात में बारात लगाने के क्रम में आपसी विवाद हुआ, उसी में गोली चली है और मौत भी हो चुका है। जो लड़का के मौसा है विनोद मंडल जो उनका नाम बता रहे किस तरह की विवाद
बस शादी ब्याह में यही बारात लगाने और लड़का उतारने का यही सब विवाद होता है। सबसे बड़ा विवाद है शराबबंदी है, फिर भी लोग शराब पी रहे हैं, तो वो भी एक कारण बनता है किसी भी शादी में वगैरह में विवाद का। किस गांव में ये घटना? ये शिव मंदिर टोला कहाँ पड़ता है? ये पर्वता पंचायत में। थाना इस्माइलपुर। बारात कहाँ से आई थी? बारात पीरपै थी शायद, मोहनपुर गोविंदपुर एक गाँव है, वहीं से बारात आई थी। जिसका मर्डर हुआ वो आमापुर कहलगाँव के वासी थे, लड़का के मौसा थे। शादी नहीं हो पाई? शादी अभी नहीं हो पाई, जैसे बारात लगा ही नहीं था तो शादी कहाँ से हो पाई। बारात उतारने के लिए विवाद हुआ, उसे में गोली चल गई, इसी में पीछे मजा लगा। कितने बजे की घटना होगी? 2 बजे के आसपास की घटना। और इसमें क्या होगा? पुलिस आई है, SFL की टीम भी है, FSL की टीम, जांच करके पोस्टमार्टम होगा, जो विधिवत कार्रवाई हो तो होना है उसमें। जो मारने वाला पता चला कि फिरार है, पुलिस गई थी शायद। कहाँ का? बगल के गांव का बता रहा है। ये संबंधी है क्या? हाँ, रिलेटिव है। घटना हुआ है कि जैसे कि लड़का उतारने में है, वहाँ पे पोल था, पोल के कारण गाड़ी नहीं आ रहा था। वो लड़का जो मारा है वो चाह रहा था भाई गाड़ी इधर घुसा दे, तो जो जिसका मर्डर हुआ वो बोल रहा था कि मैं गाड़ी उधर नहीं जाएगा, जो हम उसको अति गोदी में लेकर लेते जाएंगे, उनको पहुँचा देंगे। तो उसी क्रम में नहीं माना, उसने हवाई फायरिंग किया 2 बार वहाँ पर किया। ये जो मृत आदमी है वो गया उसको पकड़ने के लिए। कहाँ का रहने वाला मृत आदमी? मृत आदमी है कालगाँव का, हमापुर का। नाम का विनोद। यहाँ पे बारात किस गांव आई थी? शिव मंदिर टोला। इनके यहाँ अर्जुन मंदिर के यहाँ शादी हुई? नहीं, शादी तो नहीं हुई। अब क्या होगा? होगा शादी ब्याह होगा, अभी तो उनका गार्जियन था वही लड़का। पिताजी पहले 3-4 साल पहले गुजर चुके हैं, गार्जियन में जन्म गए। अब क्या हो रही, पुलिस क्या कर रही है? पुलिस तो देख रहे हैं, जाँच पाँच करके जाएगा। शादी की संख्या उसमें गोली चली है, मर्डर हो गया। बीते रात्रि ये पीरपैती से बारात आई थी दीपक कुमार की, तो घर के मोड़ पे थोड़ा कंजस्टेड था, तो वहाँ बाराती गाड़ी द्वार पर लाने को लेके विवाद हुआ। उसी में लड़की पक्ष के जो रिलेटिव हैं वो फायरिंग किए, तो लड़का के जो मौसा जी हैं जिनकी डेथ हुई है उन्होंने उसका विरोध किया, और विरोध किया उसी दौरान हथपाई और भसा भसी हुई, तो एक्यूज जो लड़की पक्ष हैं उनके द्वारा गोली मार दी गई, जिनके चलते इनकी मृत्यु हो गई। इनके नाम विनोद मंडल है, वो कहलगाँव थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, ठीक है। और गोली मारने और उसको उसे सहयोगी की पहचान कर ली गई है, पुलिस ने रेड की है, ठीक है, तुरंत हम लोग उसको गिरफ्तार कर लेंगे। बाकी FSL की टीम आई थी, जो वैज्ञानिक अनुसंधान है उसके तहत सारी कार्रवाई की जा रही है, हम लोग जल्द ही अभियुक्त को गिरफ्तार कर लेंगे। गोली चली है सर? तो ये तो पोस्टमार्टम में बताएगा, ऐसे जानकारी हो रही है कि 2 या 3 गोली चली है, पोस्टमार्टम से क्लियर हो जाएगा। सोशल मीडिया फेसबुक पर भागलपुर के जिलाधिकारी के नाम से फेक आईडी बनाकर पैसों की मांग की जा रही थी। इस मामले में SSP के द्वारा पुलिस अधीक्षक नगर के नेतृत्व में एक SIT गठित की गई। उक्त टीम के द्वारा किए गए तकनीकी अनुसंधान एवं विभिन्न स्रोतों से प्राप्त सूचना से ज्ञात हुआ इस घटना का भारत के कई राज्यों से तार जुड़ा हुआ है। वो लोग एक संगठित अपराध कर रहे हैं। अब तक के अनुसंधान में मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार आदि राज्यों की संगठित अपराधियों की संलिप्तता प्रकाश में आई है। उक्त टीम द्वारा तकनीकी अनुसंधान के आधार पर दिनांक 10 जुलाई को मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिला के रामनगर थाना से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया तथा एक मोबाइल एवं एक सिम जब्त किया गया। 12 जुलाई को उत्तराखंड के हरिद्वार जिला के भगवानपुर थाना क्षेत्र से 2 व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया तथा 43 चेकबुक, 8 पासबुक, 4 ATM, 2 आधार कार्ड, 1 DL, 3 पैन कार्ड जब्त किया गया है। दुरुपयोग करते हुए कई लोगों से पैसे की ठगी की जा रही थी। इस संबंध में साइबर थाना में FIR दर्ज किया गया, जो कि 23-24 है, जो कि 3,20,000 रुपये ठगी से संबंधित मामला था। इस संबंध में SSP सर के द्वारा एक टीम बनाया गया, इसमें DSP लाइन जो कि अभी वर्तमान में SHO साइबर थाना है, और इनकी पूरी टीम थी। अकील अहमद, इंस्पेक्टर अकील अहमद जो कि सहायक थानाध्यक्ष हैं, राकेश कुमार, सुशील राजू DIU से,
आसिफ अख्तर, रामकृष्ण तथा अन्य प्रोग्रामर रिया सिंह तथा अन्य इसमें पदाधिकारी और पुलिसकर्मी इस पूरे टीम में लगातार कार्य कर रहे थे। इन पूरे टीम के लगातार मेहनत के बल पे हम लोगों ने एक संगठित गिरोह का पर्दाफाश किया है जो कि विभिन्न राज्यों में कार्यरत था। राज्य क्रमशः मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और झारखंड। ये गिरोह इस सारे राज्यों में काम कर रहा है था क्योंकि संगठित रूप से ये काम कर रहा था। इस टीम के द्वारा तकनीकी अनुसंधान के आधार पर 10 तारीख को मध्य प्रदेश के मनुपुर जिला के रामनगर थाना से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था जिसको कि माननीय न्यायालय में अग्रसारित कर दिया गया है, जिसका नाम कैलाश मांझी है, पिता भैयालाल केवट जो कि अनूपपुर राज्य मध्य प्रदेश का रहने वाला है। अन्य टीम जो निकाली गई थी, जो उत्तराखंड जो टीम गई थी, जो 12 तारीख को 2 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, इसमें अरविंद जो कि पिता स्वर्गीय अतर सिंह, दूसरा अभिषेक खुराना पिता स्वर्गीय जोगेंद्र सिंह, ये दोनों हरिद्वार के रहने वाले थे, जिसमें से अरविंद जो कि एक लेबर का कार्य करता है जिसके अकाउंट पे पैसा गया था, परंतु जो हम लोग अनुसंधान में अब तक ये निकल के आया जो अभिषेक खुराना है जो कि इस पूरे गिरोह का एक अभी तक का जो वर्तमान में जो है किंग पिन है, इसके अनुसार ही जो है सारे अकाउंट को खुलवाया जाता था लेबर को कुछ पैसे कमीशन को देते हुए। इस पूरे 2 व्यक्तियों के पास से 43 चेकबुक, 8 पासबुक, 4 ATM, 2 आधार कार्ड, 1 DL, 3 पैन कार्ड को जब्त किया गया है तथा इस मामले में अग्रतर कार्रवाई करते हुए अन्य टीम भी अन्य राज्यों में अभी वर्तमान में निकली हुई है, छापेमारी कर रही है और कुछ ही दिनों में हम लोग और भी इस मामले के तह तक पहुँचेंगे कि इसमें और कौन कौन से सदस्य हैं इस पूरी टीम में और जो और किस किस राज्यों में और किन किन लोगों से जो ठगी की गई है इस संबंध में अगर तरह अनुसंधान चल रहा है। 13 जुलाई को भागलपुर पुलिस द्वारा एक नाबालिग लड़की के साथ हवाई अड्डा मैदान में कुछ अज्ञात लड़कों द्वारा दुष्कर्म किए जाने एवं पीड़िता के मित्र के साथ मारपीट कर मोबाइल छीने जाने के मामले में संबंधित तिलकामांझी थाना में शिकायत दर्ज की गई थी। महिला थाना अध्यक्ष एवं तिलकामांझी थाना के महिला पदाधिकारी के समक्ष पीड़िता का बयान लिया गया था, इसकी वीडियोग्राफी कराई गई थी। तदुपरांत नियमानुसार चिकित्सीय जाँच कराई गई। पीड़िता से पूछताछ में घटना 11 जुलाई की संध्या 7 बजे से 9 बजे के बीच की बताई गई। पीड़िता के पिता के लिखित आवेदन के आधार पर सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ कर दिया गया है। उक्त मामले में SSP आनंद कुमार के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक नगर की निगरानी एवं अजय कुमार चौधरी पुलिस उपाधीक्षक नगर के नेतृत्व में एक SIT का गठन किया गया। उक्त SIT के द्वारा FSL की टीम एवं DIU की टीम के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। उक्त SIT एवं DIU की टीम के द्वारा तकनीकी अनुसंधान एवं मानवीय सूत्रों के द्वारा घटना दर्ज होने के महज 36 घंटे के अंदर सफल उद्भेदन करते हुए 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया एवं घटना में प्रयुक्त गमछा कपड़ा आदि को जब्त कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली गई है। गिरफ्तार अभियुक्तों को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है तथा विधिवत अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। भागलपुर में भीषण सड़क हादसा एक ही दिन में 2 जगह पर हुआ। पहला सड़क हादसा सन्होड़ा मार्केट OMG मार्केट के पास हुआ जिसमें 2 मोटरसाइकिल आमने सामने टक्कर हुई, जिसमें एक मोटरसाइकिल सन्होड़ा की ओर से अलपुरा अपने गांव जा रहा था, वहीं दूसरा बाइक सन्होड़ा की ओर से आ रहा था। अलपुरा गांव निवासी बिशन देव कुमार, महिला सुलेना देवी दोनों एक बाइक पर सवार थे। दूसरे बाइक पर विक्रम कुमार और प्रीतम कुमार था। दोनों लड़का मिल्की गाँव का रहने वाला बताया जा रहा है। मिल्की गाँव सन्होड़ा पंचायत में पड़ता है। बिशन देव कुमार गाँव निवासी अलपुरा, दूसरा लड़का विक्रम कुमार मिल्की गांव निवासी है। बिशन देव कुमार और विक्रम कुमार को सन्होड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया जिसमें दोनों की स्थिति नाजुक देखते हुए भागलपुर के मायांग रेफर कर दिया गया। सुलेना देवी और प्रीतम कुमार को हल्की फुल्की चोट लगी है जिसमें इनका इलाज सन्होड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है। वहीं दूसरी घटना टोटो पलटने से एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया जिसके बाद उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सन्होड़ा लाया गया जिसमें उसकी नाजुक स्थिति देखते हुए भागलपुर के मायांग अस्पताल रेफर कर दिया गया। टोटो पर सवार की पहचान ताड़र निवासी 40 वर्षीय बबलू दास के रूप में हुई है। भागलपुर की राधा रानी सिन्हा रोड स्थित दक्षिण ग्रामीण बैंक और इलाहाबाद बैंक कर्मियों ने 2 दिवसीय धरना शुरू कर दिया। अपनी मांगों को लेकर उन लोगों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया है जिसमें विभिन्न मुद्दों को लेकर ज्वाइंट फोरम के तहत दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक और इलाहाबाद बैंक के कर्मियों ने एकजुटता दिखाते हुए बैंक प्रबंधन के खिलाफ विरोध जताया। धरना पर बैठे लोगों ने बताया कि यह धरना प्रदर्शन 3 बैंकों के द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है जिसमें फरवरी माह से ही अपनी 17 सूत्री मांग को लेकर बैंक कर्मी जद्दोजहद कर रहे हैं। उनका कहना है कि ट्रांसफर, पोस्टिंग, इंटरव्यू जैसे तमाम मुद्दों पर लगातार बैंक में धांधली हो रही है लेकिन प्रबंधन को इस पर कोई विचार करने की आवश्यकता नहीं दिखाई देती।
थी। हालांकि इसको लेकर वे लोग पूर्व में मार्च महीने में भी प्रदर्शन कर चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। आज 200 से अधिक बैंक कर्मी धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं और प्रबंधन से खुले तौर पर अपनी मांग पूरी करने की अपील वो लोग कर रहे हैं। साथ ही कड़ी हिदायत देते हुए कहा कि अगर प्रबंधन उनकी बातें नहीं मानता तो वे लोग आगे मुख्यालय तक आंदोलन करेंगे। हम लोग दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक ऑफिसर और एम्प्लाई फेडरेशन और जितने भी हमारे बैंक में यूनियन हैं सबका एक ज्वाइंट फोरम बना हुआ है और इसमें हम लोगों ने 17 सूत्री मांगों के समर्थन में पिछले फरवरी में भी हम लोगों ने धरना प्रदर्शन और हड़ताल किया था। प्रबंधन से एक बातचीत हुई थी, उसके अनुसार हम लोगों में एक समझौता हुआ था कि जितना भी मांग है यूनियन का उस पर प्रबंधन विचार करेगी, लेकिन आज तक इस तानाशाह प्रबंधन ने हमारे किसी भी मांगों को सही ढंग से निपटारा नहीं किया है। इसके लिए हम लोग को मजबूरी में आज और कल 15 और 16 जुलाई को हम लोगों ने हड़ताल दो दिवसीय हड़ताल का यहाँ पे हड़ताल पे हम लोग हैं। पूरे ज्वाइंट फोरम की तरफ से यह हड़ताल किया गया है जिसमें कि हमारे दक्षिण बिहार के 20 जिले के 12 रीजन जो क्षेत्रीय कार्यालय हैं उसमें सबों में हड़ताल है, सभी शाखाएँ बंद हैं। 178 शाखाएँ हमारी हैं, वो मैक्सिमम शाखाएँ उसमें बंद हैं और हम लोगों का 17 सूत्री मांग है जिसमें कि हम लोगों ने प्रबंधन से बहुत ही जो उनका तानाशाही रवैया है उसके खिलाफ हम लोगों ने किया है। हमारा यहाँ ट्रांसफ़र, पोस्टिंग, प्रमोशन सब में भ्रष्टाचार के तरफ से प्रबंधन ने काम किया है। कहीं भी कोई कर्मी हित में कोई फैसला नहीं लिया गया है, अपने मन के हिसाब से चाहे वो मेरिटोरियस हो तो उसका प्रमोशन नहीं किया गया है। महिला कर्मियों का ट्रांसफ़र किया गया है जहाँ पे उसको असुविधा हो, तो जानबूझ के सभी कर्मी बैंक कर्मी को तंग करने के लिए और इसी के विरोध में हम लोगों ने अपने चारों यूनियन मिल के हम लोगों ने ये प्रबंधन के खिलाफ आवाज़ उठाया है और हम इसको जिला प्रशासन भागलपुर द्वारा श्रावणी मेला में कांवरियों के लिए कई वर्षों से लगातार सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। इसी बाबत इस बार भी कलाकारों ने अपनी ऑनलाइन और ऑफलाइन फॉर्म भरा जिसका आज साक्षात्कार था। चयन प्रक्रिया में कलाकारों ने अपने गीत नृत्य के जरिए ऑडिशन दिया और आगामी 23 जुलाई से श्रावणी मेला प्रारंभ होने वाला है। इसमें कई जगहों पर चयनित कलाकार अपनी टीम के साथ शिव भजन, नृत्य नाटिका, नृत्य की प्रस्तुति करेंगे। वहीं यह चयन प्रक्रिया भागलपुर के बरारी स्थित DRCC कार्यालय में आयोजित की गई। चयन प्रक्रिया में निर्णायक के तौर पर जिला प्रशासन की ओर से कई पदाधिकारी मौजूद थे। हालांकि व्यवस्था काफी दुरुस्त नहीं थी, लेकिन चयन प्रक्रिया में चयनित कलाकारों को उन्हें अखबारों और मोबाइल के माध्यम से सूचित कर दिया जाएगा, ऐसा आश्वासन वहां के पदाधिकारियों ने दिया। ऐसा अब जैसे कि जानते हैं विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला का आयोजन प्रत्येक वर्ष होता है। जिला प्रशासन भागलपुर द्वारा जो भागलपुर का क्षेत्र है सुल्तानगंज से असरगंज तक धांधी बेलाड़ी तक, तो वहाँ तक के जो कांवड़िया पथ है और वहाँ की जितनी भी व्यवस्था है तो भागलपुर जिला प्रशासन द्वारा किया जाता है। धांधी बेलाड़ी में सांस्कृतिक कार्यक्रम का प्रतिदिन आयोजन किया जाता है संध्या 7 बजे से 10 बजे तक, तो 30 दिनों तक वहाँ कार्यक्रम चलेगा और उसी के लिए 140 आवेदन आए हैं सांस्कृतिक दलों का, उसका ऑडिशन लिया जा रहा है और जो भी अच्छे कलाकार हैं या पहले परफॉर्म कर चुके हैं। श्रावणी मेला जो 30 दिनों का कार्यक्रम होने वाला है उसके लिए चयन हो रहा है कि कौन कौन कलाकार उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, कौन नहीं कर सकते हैं और लोगों को जो भी पार्टिसिपेट सेलेक्ट हुए उनको वहाँ मौका मिलेगा, मानदेय राशि प्राप्त की जाएगी, सरकार द्वारा बढ़ावा दिया जाएगा कलाकारों को। थोड़ा बहुत तो कह सकते हैं कि थोड़ा व्यवस्थित और व्यवस्थित तरीके से होना चाहिए था क्योंकि लोगों की बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ हो चुकी है। ऑडिशन के लिए लगभग 300 लोगों ने फॉर्म डाला है तो 300 लोगों की व्यवस्था तो यहाँ पर नहीं है, लेकिन उसमें से कुछ लोग ऑलरेडी चयनित किए गए हैं। तो जिस तरह से कि सर ने कहा था आते साथ कि आप सबको एक एक करके चूज़ किया जाएगा, वैसा हो नहीं पा रहा है। लोग अपने अपने तरीके से लाइन में चले जा रहे हैं, आ जा रहे हैं, तो ये तो नहीं है सही, लोगों को भी समझना होगा। पिछले कई सालों से आ रहे हैं कंटिन्यू, क्योंकि हम लोग को देवघर में शो करना रहता है तो पहले ऑडिशन देना पड़ता है, उसके बाद शो मिलता है हम लोग करने के लिए। तो यहाँ पहले शो हम लोग शो का ऑडिशन देंगे, सिलेक्शन होगा, उसके बाद हम लोग काम मिलेगा। ऐसा नहीं है कि सर मना नहीं कर रहे, सर बहुत ही समझा रहे हैं इन लोगों को, बट कलाकारों में ही गलती है, वो लोग सुन नहीं रहे सर की बात। सर कई बार माइक में उन्होंने अनाउंस किया कि सभी कलाकार अपनी सीट पर प्रॉपरली बैठे हैं, बट कोई बैठ नहीं रहा है, तो इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा मोड़ा अव्यवस्थित है,
जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन सर की गलती नहीं है आई थिंक। मेरा नाम आठवें दिन भी एनएचएम कर्मी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं, जिससे स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्था चरमरा गई है। आम लोगों को अपने इलाज में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। भागलपुर जिला के सभी एनएचएम कर्मियों द्वारा हड़ताल पर चले जाने से आम लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें, उक्त हड़ताली कर्मियों की मांग है समान काम समान वेतन एवं फेशियल अटेंडर सिर्फ एनएचएम कर्मियों के साथ ही क्यों, यह नियम सभी कर्मियों पर भी लागू करने की मांग कर रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहना है कि हम लोग क्षेत्र में लगभग 5 से 6 किलोमीटर दूर दूर तक आंगनबाड़ी केंद्रों पर टीकाकरण से लेकर सभी सरकारी कार्यों को बखूबी निर्वहन करते हैं, अपने कार्य का संपादन करते हैं, लेकिन उसके बाद भी हम लोगों को ना तो किसी प्रकार की सुविधा दी जाती है ना ही कोई भत्ता, यहाँ तक कि हम लोगों को मानदेय एक दैनिक मजदूर से भी कम है। वो इन कर्मियों के हड़ताल पर जाने से RI, NCD, टेलीमेडिसिन, RCH सहित उप स्वास्थ्य केंद्र पर OPD नहीं होने से जनमानस को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।